गुरुप्रिया सेतु गठन परे चित्रकोंडा ब्लॉक रो 9 गोटी पंचायत को सरकार बिछिन अंचल रु स्वाभिमान अंचल ना देले आ घोषणा करले जे एई जो दुर्दिन रो दिन थिला ता कमिबो आ सेमाना पाखरे सरकारंकर सब सुविधा पहुचिबो किंतु सब सबले गोटे प्रश्न सृष्टि होई थाए जे केते स्वाभिमान हे छै अंचल आ केते सुविधा पाइचंती तार सीधा सळक चित्र आमे देखैबु आमे अछु दरलाबाडा गां रे जोडांब पंचायत दरलाबाडा गां एठे 110 टी परिवार अछंती तांको पई दुई गोटी नळकुओ सबुटु बड़ चित्र देखिबा जे समस्ते एठारे सामाजिक दूरत्व बजाय रखिया त कोरोना कटकणा मानि सेमाने एठे पानी पई लाइन बांधी ठिया आइछंती आ गुटी बड़ कथा आमे कहिबा जेते बेले सरकार कहउछंती जे आमे एठारे विकास पहुचौछु आउ एठारे एई जो दुर्दिनर दिन कमी जाइछि ताहाले एई चित्र सीधा सळक बयान करछि जे सरकार एठारे केते विकास पहुचैछंती आमे सीधा सळक आलोचना करिबा मा कोन कहबे केते दिन लागि असुविधा आ कोन असुविधा से कहबे बहुत दिन हला सर हमर बहुत असुविधा हमर पानी नै कि हमर रास्ता गडबे किछि नै आमे जंगल भितर माकड़ी जंती तिलु सेमती आमे बंचंत हमर पानी एक नल को पानी एत गाम बड केंति हम हमको उठिबो हम कोंटु नांती देखनु जते मा माने इन लाइन रे छिड़ाइछु आमे ये नल को पानी को जोग जोग किना आमे नालिया पानी खाउछु केते दिन होला असुविधा होती का जनइले कि आमको पानी दिव कि पाइप वसुधा योजना भाई विभिन्न प्रकार योजना अच्छी सरकार घर आगे पाइप पानी देवे सब व्यवस्था करवा कथा कि कौन पर क्या जन कि आमको किए पचार ना सर किए पचार आम दुई तीन थर जनइलु आमको किए पचारे ना निश्चित रूप कह माँ जन कहते क्योंभली भाव में एठार जो व्यवस्था करा सीधा सड़क आम एठार जिला प्रशासन उपरे आंगुली उठेबा कहीं जो जगह अच्छी स्वाभिमान अंचल सरकार सब फोकस थाए कि जो फोकस स्वाभिमान अंचल को कहीं अणदेखा करुच्ची जिला प्रशासन ताकू नहीं बड़ प्रश्न उठू आम सहित अच्छा एठाकर जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति अच्छा तथा कुडुमुलु गुमार पूर्वतन चेयरपर्सन अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा स्वाभिमान अंचल घोषणा करागला विभिन्न प्रकार सुविधा पहुँचापी सरकार कहले कि सुविधा पहुँचुनी कौन कह आम कह तो एक्चुअली कौन स्वाभिमान अंचल रास्ता घाट टे बर्तमान तो चली समस्या केवल पानी जल उपर माँ मान बहुत असुविधा से मैंने एत बड़ गाँ 110 फैमिली एटी केवल दुईटा मात्र ट्यूबवेल दुईटा ट्यूबवेल तो नियंट ना आमर सरकार नियम भी अच्छी प्रत्येक 20 फैमिली गोटे मानने बोरींग्र व्यवस्था तो दीर्घ 5 वर्ष होगा यही समस्या आम भोग कर आगु मत कि नलकूप बहुत खराब होगा केवल दुईटा ट्यूबवेल आमर गाँव रो आरसीएम पिला अच्छा से द्वारा परिचालित होर करजे कर जो पानी जल टे पाच आउ अन्य टाइम बर्षा दिन तो छाड़ू से नाल पानी भी बेले बेले व्यवहार करवाक पड़ी ए बंद हो गले ट्यूबवेल तो प्राय फंक्शन करूनी केवल कथा कहबा जे देखु वसुधा योजना भाई गोटे योजना अच्छे किंतु वसुधा योजन प्रति घर आगे गोटे गोटे स्टैंड पोस्ट करवा कथा जोटे कि पानी जल से विशुद्ध पानी जल पहुँचे किंतु सरकार विफल होती सहित स्वाभिमान अंचल कथा कह विभिन्न गाँव में बर्तमान सुधा से नाल पानी व्यवहार करोकताई सरकार तरफ दूषित पानी दि जाऊँगी कहीं जो पहाड़ उपर गोटे गोटे कुंडी कर गोटे पाइप जोगेकना आणुँच तौक तो ये जिनस केमी देखा जो जगार विशुद्ध पा दे कथा से जगार दूषित पा सरकार निजे जोगाऊँ कौन कह हाँ आज्ञा तो आमर बहुत वर्ष तले आमर पाइप लाइन आसला से जो पहाड़ अंचल जो चुआ बाहर जो माँ मैंने जाठू गोटे पाइप लाइन दीर्घ बहुत वर्ष होगा से नष्ट हो गला पाइप प्राय खराब होगा कौटी छिंडी छिंडी जा तो बाध्य माँ मैंने ये अवस्था भोग करें भी भोग करुचु तो कौन करूँ आ सरकार को तो जनाऊु प्राय समस्त आम लिखी भी जनाऊँ जो मैंने अफिसर मैंने आस स्वाभिमान अंचल प्राय अफिसर मैंने आसमें पदे पदे समस्ते कौन माँ मैंने कौन आम गाँव रही मैंने भद्र व्यक्ति जो मैंने से कौन तो प्रशासन तो प्रशासन किंतु खाली ना को मात्र प्रशासन किंतु कौन सी जिनस
ହେଇପାରୁନି ସଫଳ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ବିକାଶ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦୂର ଭାବରେ ହେବା କଥା ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତ କେତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବଦଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପୁରା ସ୍ୱାଭିମାନଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟା ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି କରିକିରି ସବୁ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ସିଷ୍ଟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କହିବା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାଓଗଡ଼ ନାମ ବୁଲାଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଭରସାରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ଯେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଉଥିବେ? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ କହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିବ? ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।